व्यू दिखाऊंगा। नीचे जाओगे ना गैस, देख लो फॉग देख रहे हो गैस, यहाँ पे लोग पब्लिक जा रही है, बट हम वहाँ पे ही कैंपिंग करेंगे, वहाँ पे आपको जगह दिखाऊंगा। लग गया आदमी तो सुहे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सूर्या और आप देख रहे हैं नो बेट सूर्या। तो गाइस फाइनली मैं हूँ गाइस दार्जिलिंग के पास, जहाँ पे वेस्ट बंगाल के पास जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर जो ऑफिस है उसके पास हूँ। और गाइस मैं चाहूँगा गाइस वो व्यू आप देखोगे ना, आपने कभी देखा भी नहीं होगा, और आपको मैं व्यू दिखाऊंगा वो आप देख सकते, देख के अब हैरान हो जाओगे। और गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हो क्या व्यू है और क्या नज़ारा है यार, अमेजिंग लोकेशन और आउटस्टैंडिंग गाइस, आउटस्टैंडिंग ये देखो, वाओ यार अमेजिंग। और गाइस हमारे साथ हम चार बंदे थे, चार ट्रैवलर हैं, तो हमारे साथ आपने रात में यहाँ पर कैंपिंग कर दी, कल की आपने वीडियो देखी हुई हमारी, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि आज रात हमने स्टे नहीं कर पाए थे, बट अब नीचे जाके हम स्टे करेंगे, यहीं पे कैंपिंग की जगह ढूंढेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और गाइस और देखते हैं वहाँ पे हमें स्टे मिलता है कि नहीं मिलता, वहाँ पे कैंपिंग की जगह देखते हैं वहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो हम ढूंढेंगे और वो आपको वहाँ पे मैं शेयर करूंगा, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए कभी भी आप फ्यूचर में अभी यहाँ पे ट्रैवलिंग करने आते हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आते हो दार्जिलिंग की तरफ आप आते हो तो गाइस, ठीक है, तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, क्या नज़ारा है यार अमेजिंग, जिंदगी में ऐसी लोकेशन भाई मैंने कभी भी नहीं देखी गाइस सही में हूँ। और नीचे का व्यू होगा ना गाइस, आप अलग ही व्यू दिखेगा आपको, बट आपको नीचे जाकर ही पता चलेगा कि क्या व्यू है गाइस, ठीक है। तो गाइस फाइनली हम नीचे चलते हैं और हमारे साथ भाई तीन भाई हैं, जैनल भाई, मन्नू भाई और हिमांशु भाई है, जो दो भाई से तो आप मिल गए, एक नए नए भाई हमें मिले हैं जो हिमांशु भाई यहाँ पे मतलब डैनियल भाई है, तो अमेजिंग। और भाई अपना एक्सपीरियंस बताओ कैसा लगा आपको यहाँ पे, अभी अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बादल पे पांव है, या कूल कूल, वो अपना यहाँ पे एकदम फिट बैठता है, राइट। या गाइस बहुत मस्त वाले बंदे, मतलब मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय मिल रहा है, बट मैंने ये व्यू देखना ऐसा लग रहा है कि हम भाई अभी एरोप्लेन में ही चल रहे हैं और नीचे वाला व्यू दिख रहे हैं हम। अरे झूठ बोल रहा था, कुछ नहीं लग रहा बट भाई आप खुद देखो यार, लग रहा है हाँ, ये ऐसा लग रहा है कि आप नॉर्थ ईस्ट के कश्मीर में आ गए हो, इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि प्लेन में बैठे हो, क्योंकि प्लेन में तो इतना ही दिखता है, झूठे इंसान। अच्छा, लेकिन है अच्छा हाँ भाई, हम झूठे इंसान ये भाई सच्चे इंसान, बट आप भाई हम सब तो झूठ बोल सकते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप खुद देख। वाओ गाइस अमेजिंग, यार क्या वादियां हैं, ऐसा लगता है हम परी के लोग में आ गए हैं, जहाँ पे परियां जो बादलों में घूमती है, वही लोग है हमारे पास, अमेजिंग। हम पर हैं और परियां हुए, हम परियों को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, यार क्या व्यू है यार अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग यार, नज़र नहीं हो हट रही, मतलब देखते जाओ, बट क्या बोलूँ, बट एक बार आपको व्यू दिखाऊंगा। नीचे जाओगे ना गाइस, देख लो फॉग देख रहे हो गाइस, यहाँ पे लोग पब्लिक जा रही है, बट हम वहाँ पे ही कैंपिंग करेंगे, वहाँ पे आपको जगह दिखाऊंगा, पूरा ही बादल लगा हुआ है पूरा, जब मान लीजिए जब ये नवंबर और दिसंबर के महीने में आप आती हो, जनवरी के महीने में भाई, यहाँ पे इतना स्नो गिरता है, जैसे कि आप बारिश हो रही है गाइस, इस तरह से आपको स्नो दिखेगा और बर्फ़ जमा हुआ दिखेगा गाइस टाइम पे, ठीक है। और ये गाइस पूरा ही आपको यहाँ पे पूरा ही आपको ढका हुआ मिलेगा, और देखने को अलग ही व्यू और अलग ही भाई जो नेचर है ना, नेचर का मज़ा अलग ही है यहाँ पे यार देखने में, और अमेजिंग लोकेशन यार सही में यार, जब मैं वहाँ से इधर आया ना तब मुझे दिखा भाई कुछ है, बातचीत है भाई, अमेजिंग यार अमेजिंग आउटस्टैंडिंग। तो सो गाइस हम नीचे चलते हैं, ठीक है, और नीचे देखते हैं कि हमें कहाँ पे कैंपिंग की जगह मिलती है, वो हम आपको शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, के सामने खड़े हैं ना गाइस, वो शमशान घाट के ऊपर ही खड़े हैं, और शमशान घाट आपको दिख जाएगा यहाँ से, देखो शमशान घाट है यहाँ पे क्रिश्चियन का, देखो ये देखो गाइस, ये देखो शमशान घाट है, ओ यार भाई भूतिया होते लगे हमें, कुछ भूत नहीं है, ये देखो वाओ यार वहाँ पे गॉड, अमेजिंग व्यू यार अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। आर आई टी, ओ वाओ यार अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग आउटस्टैंडिंग व्यू है। मैंने कभी भी सोचा नहीं था
कि मैं यहाँ पे आ पाऊँगा और ये सब चीज़ें मैं दिखा पाऊँगा आप सबको, और मतलब मेरे माध्यम से आप ही देख पाओगे, जब मैं यहाँ पाऊँगा तभी आप देख पाओगे, ठीक है। तो बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है गाइस सही में, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई जन्नत में आ गया हम, और अमेजिंग आउटस्टैंडिंग गाइस सही में सुपर। और अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आपको व्यू मिलेगा जो भी हमने कैंपिंग की जगह देखी है, बट रात में हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा, क्योंकि हमें यार रात में यार सर्वाइव सही से, मतलब रात में हमने कहीं पे स्टे नहीं किया, स्टे क्या बोल लेते हैं वहाँ पे कोई आर्मी वाला जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है ना गाइस, जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का पूरा एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट मैंने मिनिस्टर होता है वो उसके कैंप में, वहाँ पे कैंप लगा हुआ था, कुछ कैंप था कोई मतलब लोकल लोग यहाँ पे वहाँ पे धरने हुए धरना दे रखे थे, तो वहाँ पे कैंप लगा रखा था बहुत बड़ा सा, वो उसी के तंबू के अंदर हम रात भर वहाँ पे मतलब रात भर हमने उसे वहाँ पे गुजारा है, ठीक है। बट हम सोच रहे कहीं पे कैंपिंग करें, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो वहाँ पे लोकल वहाँ पे जो आर्मी वाले थे उन सर से हमने परमिशन लिया, और वहाँ पे लेने के बाद वहाँ पे हमने क्या रात भर मतलब वहाँ पे स्टे किया, और खाने की बात बोली तो भाई खाना हमने खाया भी नहीं, और रात में हमने ना हमने खाना सही से खाना खाया और ना ही कैसे से हमने वहाँ पे स्टे किया गया, ठीक है। तो ये थी हमारे साथ जो प्रॉब्लम थी, जब भी आप जैसे मान लीजिए कभी फ्यूचर में भाई आप भी कभी ऐसे ट्रैवलिंग करते हैं, आप कभी भी ऐसे ट्रैवलिंग करते हैं तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और ये चीज़ का आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी आप आओ तो बी केयरफुल, और लोगों यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट है यार, बहुत आपको मतलब यहाँ के बारे में बताएंगे और आपको समझे मतलब बहुत ही हेल्पफुल लोग यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ पे जो भी है, और अभी हम आ चुके हैं नीचे की तरफ, ये रास्ता जा रहा था, ये नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है, यहाँ पे देख सकती हो, और यहाँ पे देखो कॉलेज है, पता नहीं कोई है, दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। ये कॉलेज है, यहाँ के सामने आप देख जाओगे कॉलेज है, कॉलेज के सामने वाली गेट गली है। तो उसके बाद ओ वाओ यार अमेजिंग यार आउटस्टैंडिंग गाइस है यार। गाइस आप ये वीडियो देख रहे हो तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना जरूर भूल, शेयर कर दो, शेयर करना बनता है, ठीक है। और गाइस इस वीडियो पे अभी तक आप देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट्स करके ज़रूर बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा लोकेशन यहाँ का, ठीक है। प्लीज़ कमेंट्स करना और उसका रिप्लाई मुझे जरूर देना कमेंट्स में कि आपको कैसा लग रहा है लोकेशन, और अमेजिंग यार सही में आउटस्टैंडिंग यार सुपर वाओ यार, ऐसा लग रहा है गाइस सही में जैसा लग रहा है कि कुछ अलग ही, ओ माई गॉड ओ वाओ यार अमेजिंग, बादल ऐसे लग रहे हैं कि यार कुछ है ही नहीं नीचे, बस बादल ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं, ओह वाओ अमेजिंग। और गाइस बारिश भी होनी स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे बारिश पड़ रही है, और अमेजिंग यार सही में यार, बस शब्द नहीं हो रहा कुछ कहने के लिए, क्या बोलूं, बस ऐसा लग रहा है कि मैं देखते रहूँ और आप सबको मैं दिखाता रहूँ सब चीज़ें, अमेजिंग व्यू। और यहाँ का आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलेज है, मतलब दार्जिलिंग गवर्नमेंट और कॉलेज के सामने ही आपको ये वाला व्यू मिलेगा, और अमेजिंग चीज़ें हैं सुपर गाइस सुपर। Minutes later. तो सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं रोक, मतलब गोम्बल रोक के पास, जहाँ से मैं आपको मैंने व्यू दिखाया था वहाँ का, जो आपने देखा होगा मतलब शिमला जैसा व्यू आ रहा था, ठीक है। वहाँ से मैं थोड़ा सा और आगे आओगे तो यहाँ पे आपको स्टोन दिखेगा, मतलब बहुत बड़ा पत्थर है, सिल्वर जैसा मंदिर है, मंदिर के पास ही आप ये मंदिर दिखेगा, मंदिर के पास से आप ये देखोगे ये वाला, आप देखोगे यहाँ पे जैसे कि हम भाई जो माउंट पे चढ़ते हैं पहाड़ों पे चढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखते हो वहाँ पे लिखा है GOUMB गोम रॉक लिखा हुआ है, और यहाँ पे वाइट वाइट आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना मतलब चढ़ने के लिए, और वहाँ पे गाइस देखिए वहाँ पे चैन मैन मतलब कुछ वहाँ पे लगा रखा है, मतलब ये पहाड़ों पे कैसे चलना है वो बना रखा है, भाई पूरी सीधी खड़ाई पहाड़ी है भाई सही में, ऑफ शाइनिंग यार हमें बहुत ही अच्छा भी लग रहा है और बहुत अच्छा व्यू है इसमें। तो सो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था कुछ, अगर यहाँ पे व्यू देखो गाइस क्या जगह है भैया, भैया हेलो एक्सक्यूज मी, ये कौन सी जगह है, ये तेंजिंग रॉक, तेंजिंग रॉक, अच्छा तेंजिंग रॉक, यहाँ पे क्या होता है ये क्या है, यहाँ पे माउंटेनिंग, अच्छा माउंटेनिंग रॉक क्लाइंबिंग, अच्छा रॉक क्लाइंबिंग, जो तेंजिंग नॉर्के था ना, तेंजिंग नॉर्के का
सबसे पहले वो यहाँ भी ट्रेनिंग किया था। क्या नाम है उनका? तेंजिंग नोर्गे। अच्छा, तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे। अच्छा, उन्होंने पहले यहाँ पे वो ट्रेनिंग किया था। ट्रेनिंग किया था, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया, उसके नाम पे रख दिया रॉक का नाम। ओ, तेंजिंग रॉक। तो गाइस ये तेंजिंग रॉक है, जिसमें मतलब तेंजिंग रॉक आपको जानते हो, उन्होंने पहली फर्स्ट मतलब जो उन्होंने यहाँ पे माउंटेन वो की थी, यहाँ से चढ़ाई की थी, यहाँ से ऊपर लेके वहाँ से वो करी थी। और सही में यार देखो, ये देखो लगा रखा है, फिटर लगा रखा है, अमेजिंग है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, वहाँ पे भी देख सकते हो वहाँ रोमन रॉक लिखा है, इसकी भी चढ़ाई होती है, इसको भी चढ़ते हैं हम लोग। अमेजिंग एक्सपीरियंस। जो गाइस जो माउंट पे चढ़ते हैं उनको एक्सपीरियंस अलग ही बात है, रॉक वाला जो होते हैं भाई। मैंने तो फर्स्ट टाइम कभी मैंने किया नहीं सकती, और मुझे इतना पता नहीं है, बट लोगों से मैंने पूछा, वो मैंने आपको शेयर किया बात जो मैंने उसके बारे में। तेंजिंग रॉक है जो जो मैंने नेपाल वपाल में देखा है, बहुत सारे माउंट होते हैं बड़े बड़े पहाड़ों में, इसी तरह से ही वो चढ़ते हैं मतलब रस्सियों से ही, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल भी होता है उसमें, पहाड़ कैसे होते हैं मैं बताइए आपको, इस तरह के पत्थर मिलेंगे बड़े बड़े सीढ़ी जैसे, देखो कितने बड़े पत्थर है। अमेजिंग यार, देखो कैसी है सीधी चढ़ाई है, यहाँ से भी रस्सी एक जैसे भी जाते हैं लोग, पता नहीं कैसे नीचे तक रास्ता है नीचे जाए। अमेजिंग यार, अमेजिंग। ये मंदिर है, इस मंदिर के पास में आपको ये मिल जाएगा। ओ वाओ, अमेजिंग, सुपर। नंबर लिखे हैं गाइस, देखो 5 करें क्या क्या है, और पत्थर में पहली बार सो रहा हूँ। देखो गाइस ये है, ये चढ़ने के लिए जो बोलते रस्सी लगा के इस तरह से चढ़ते हैं, ऊँच से गाय ग्रिल से इसको छेद करके वहाँ पे स्टोन लगा रहा है, मतलब पेच लगा रहा है, वो रही है। और बहुत ही अमेजिंग व्यू है, क्या कैसा लगा तुम्हें? अरे मैं आधा चढ़ गया था। आप चढ़े ऊपर? चढ़े ऊपर, क्यों चार्जिंग में? चार्जिंग नहीं है, वो गिर जाओगे तो। अच्छा, कितना लगा था? तो वैसे अभी इसमें अलाउ नहीं है, क्योंकि मतलब गाइड होते हैं वो खुद ही चढ़ सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी तो कर रहे हैं, बट भाई हमें इस पर अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ फिसलन बहुत है, पानी देर कितना बहुत ही फिसलन होगा, जिसको भाई जो जो सारे प्रॉब्लम जो ट्रेनर होते हैं, जो है पूरे ही ट्रेनर है वो चढ़ते हैं इसके ऊपर, ठीक है। बट हमें रिस्क नहीं लेना है इस चीज़, हमें आगे भी ट्रैवलिंग करें, और भाई इस चीज़ से थोड़ा दूर ही रहो। मैं आपसे सबसे कहूँगा, कभी भी आप आते तो इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो मत करो, मैं आपको सजेस्ट करूँ कभी भी मत करना ये सब चीज़ करना। देखो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ बुरा हरिओम। यहाँ पे देखो कितने डेढ़ लोग हैं अभी, हमारे दो भाई हैं शायद यहाँ से लोकल ही है, ये लोग ऊपर ऊपर से नीचे उतरने जा रहे हैं ये सफाई करने के लिए। ये देखो आप, यहाँ पे लोगों ने कूड़ा फेंका हुआ है, आप देखो ध्यान, ठीक है। इसीलिए कहते हैं पहाड़ी इलाकों में जाओ तो कूड़ा मत फैलाओ, गंदगी मत फैलाओ, कितना खतरनाक काम करने जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो ये लोग गिर सकते हैं। वो गाइस वहाँ पे घर जो आप देख रहे होगा यार, बड़ा ही अलग ही डेंजरस लग रहा है पूरे वहाँ पे, जहाँ से देखने में तो वो जो हाउस है वो घर है वहाँ पे, वहाँ से लग नहीं रहा, अलग पूरा हटके वहाँ पे कोने में यार जंगली। अभी कुछ दिन बाद यहाँ पे माउंट क्लाइंबिंग है, माउंट क्लाइंबिंग होगी, अभी सफाई है मतलब काफ़ी लोगों को एक महीने के लिए माउंट क्लाइंबिंग, अभी सफाई होगी जैसा, अगर मतलब जरा सा भी और इसका बराबर रिक्स होता है, अगर बराबर क्लाइंब होता है लग गया आदमी, बहुत ही रिक्सी है यार, बहुत ज़्यादा यार, कैसे किस तरह से
अमेजिंग भाई, जीरो बेस्ट। किस तरह से इतनी रिक्शी की बड़ी बात भी देखिए, इसमें सफाई साफ सफाई कर रहे हैं यार, और हम सब भाई इतने सारे कूड़े फेंक देते हैं इसके अंदर। कभी भी हम पहाड़ी इलाका में जब भी आप आते हैं ना, तो इस तरह का काम कभी कभी करना नहीं चाहिए यार, क्योंकि हम हैं तो भाई सब चीज़ नेचर के अच्छा है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ जब भी आप जाओ कभी भी कूड़ा उड़ा कभी भी कहीं ना फेंकना चाहिए, सबसे बेस्ट है। और देखो यहाँ पर कितनी साफ सफाई हो रही है यार, मैं खुद मानना पड़ा किस तरह से वो भाई एनर्जी को साफ कर देंगे। अमेजिंग है यार, अमेजिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वैसे वहाँ पे भी देखो, वहाँ पे गर्ल्स है बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और भी ट्रैकिंग के लिए मतलब माउंटेन ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और क्या है यार अमेजिंग। सुपर। और भाई वहाँ पे तीन बंदे खड़े हैं, वहाँ बैठे हैं भाई साहब तीनों भाई, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट प्लान क्या होता है, कहाँ जाने वाले हैं, वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको आगे।